नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा होती है। माता के भक्त पूरे 9 दिनों तक मां की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर ये व्रत महिलाएं करती हैं, क्योंकि उनके लिए दुर्गा मां स्नेह देने वाली और हर परेशानी हर लेने वाली मां की तरह है। शायद यही वजह है कि महिलाएं उनसे जुड़ी कहानियों का अनुसरण करते हुए उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में समायोजित करने की कोशिश करती हैं। ऐसी ही कुछ बातें हैं जो हर महिला को अपनी देवी माँ से सीख कर अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सबसे पहला है धैर्य। सृष्टि के कोने कोने में व्याप्त घटनाओं को ध्यान मुद्रा में मग्न होकर देखते भगवान शिव के साथ माता पार्वती का रिश्ता धैर्य सिखाता है। अगर इसे अलग नजरिए से देखा जाए तो समझ आता है कि महादेव और माता के संबंध में धैर्य व शांति की नींव अर्धांगिनी द्वारा ही निर्मित और संजोई गई है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, अगर उसे लंबे समय तक चलाना है तो इसके लिए धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। इस गुण को अगर महिला अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना ले तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी उसकी हिम्मत नहीं टूटेगी। दूसरा है आत्मसम्मान। भारतीय महिलाओं में दूसरों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति बड़ी आम है, लेकिन यही चीज उनके जीवन में दुखों के प्रवेश के द्वार का काम भी करती है। इसलिए महिलाओं को दूसरों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता भी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होता उसे दूसरे कमजोर समझते हैं और हर तरह से दुख भी पहुंचाते हैं। तीसरा है निर्भय। माँ दुर्गा के अस्तित्व से हर महिला को अपनी शक्तियों को पहचानने के साथ निर्भय रहने की भी सीख लेनी चाहिए। सिंह पर सवार देवी शक्ति हर महिला को संदेश देती है कि अगर कोई स्त्री ठान ले तो वो बड़ी से बड़ी परेशानी का भी हल ढूंढ सकती है। बस आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। भोले ना कि आप खुद जननी हैं, जो सबसे बड़ी शक्ति है। चौथा है प्रतिभा। देवी दुर्गा के 8 हाथ हर महिला को प्रतिभावान यानी कि मल्टी टैलेंटेड बनने का संकेत देते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा काम करने आने चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ आपके समय की बचत होगी बल्कि आपके दिमाग का भी विकास होगा। अगर आप मल्टी टैलेंटेड होंगी तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवा है दया और स्नेह। ये दो भावनाएं महिलाओं में पुरुषों से अधिक होती हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन कई लोग इससे अपनी कमजोरी भी समझ लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। ये दो भाव महिलाओं के लिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होते हैं। जिस तरह से महिलाएं इसे महसूस करती हैं वो उन्हें गंभीरता से सोचने समझने में मदद करता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।